हमारा लुक मैटर करता है हमारी आउटफिट पर, और जब शादी फंक्शन में जाने की बात हो तो हमारी आउटफिट सेक्सी तो होनी ही चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। आप सभी ने देखा होगा, लड़कियां शादी फंक्शन में जाने से पहले अपनी ड्रेस सिलेक्ट कर लेती हैं। कौन से दिन कौन सी ड्रेस पहनना है उन्हें यह पहले से पता होता है। पर अब सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी अपडेट हो रहे हैं। और आप अभी भी अपने लिए वेडिंग आउटफिट नहीं चुन पाए हैं तो वीडियो पूरा देखें, और वीडियो के लास्ट में बोनस ड्रेसिंग टिप्स पाए। बोनस ड्रेसिंग टिप्स के साथ एक एक्स्ट्रा ड्रेस जो आप किसी भी फंक्शन में वेयर कर सकते हैं। टॉप 5 आउटफिट जानने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। नंबर 1, कुर्ता विथ कोट। इंडियन वेडिंग में कुर्ते पैजामे का ट्रेंड बहुत पहले से है, पर आज हम कुछ अलग तरीके से इसे वेयर करेंगे। आपको कुर्ते की स्लीव की लंबाई कलाई से ऊपर और कुर्ते की लंबाई घुटने से ऊपर रखनी है। पैजामे की लंबाई शोल्डर पर इस तरह वेयर करने से कुर्ते पैजामे में आपको परफेक्ट वेडिंग लुक मिलेगा। और इसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक हाफ स्लीव नेहरू जॉकेट में एक अच्छा सा स्क्वायर प�केट परफेक्ट लुक के लिए। नंबर 2, टू पीस ड्रेस। शादियों में सूट पहनना एक आम बात हो गई है, और आजकल लड़के क्या करते हैं, शादी में फंक्शन में सूट पहन लेते हैं और किसी भी लड़की का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन आपको शादी फंक्शन में सबका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए टू पीस ड्रेस ट्राई करनी चाहिए, जिससे हर किसी का ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। नंबर 3 है कुर्ता विथ धोती। आजकल बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इस आउटफिट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं शादी फंक्शन या रिसेप्शन पार्टी। बॉलीवुड एक्ट्रेस भी इसी आउटफिट में नजर आ रहे हैं, और यह आउटफिट आपको एक ब्रिलियंट लुक देगी। आपको कुर्ते के साथ धोती वेयर करना है जो आपको गर्मियों में कंफर्टेबल लुक देने वाली है। नंबर 4, शॉर्ट कोट विथ सिंपल पेंट। नए दौर के नए ट्रेंड में आपको कुछ नया ट्राई करने के लिए यह आउटफिट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो आपको सेक्सी कूल लुक देने में आपकी हेल्प करेगी। शॉर्ट कोट के साथ आप फॉर्मल पेंट या चिनोज पेंट भी वेयर कर सकते हैं। नंबर 5, जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट का ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, और यह आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जिसे आप कई वेडिंग्स में वेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको 3-4 सालों तक किसी और आउटफिट में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस आउटफिट में आपको एक परफेक्ट इंडियन वेडिंग लुक मिलेगा। वीडियो के एंड की ड्रेसिंग टिप्स है, आपको अपनी सभी ड्रेसेस प्रॉपर फिट करना होगा। इसके साथ आप फॉर्मल या सेमी फॉर्मल शूज वेयर कर सकते हो, स्पोर्ट शूज या स्नीकर अवॉइड करना है, और कुछ एक्सेसरीज है जो आपको बेस्ट आउटफिट में बेस्ट लुक देगी। नंबर 1, क्लासिकल वॉच। किसी भी आउटफिट के साथ आसानी से मैच हो जाएगी, इसमें आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, ब्लैक या सिल्वर इयररिंग्स जो आपको परफेक्ट लुक देने में। नंबर 3, राइट हैंड के 2 उंगलियों में रिंग होनी चाहिए, एक ब्लैक रिंग और दूसरी डार्क।